हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ सामान्य विज्ञान से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर। जी हाँ, जिसमें हम बात करेंगे जीव विज्ञान से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तरों के विषय में। तो चलिए ना देर करते हुए शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो की। सो गाइस, जैसे क्वेश्चन नंबर 41 है, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा मूंगफली से संबंधित है। तो वही क्वेश्चन नंबर 42 है, धान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग किसके कारण होता है? तो इसका उत्तर होगा जस्ता की कमी के कारण होता है। तो वही नेक्स्ट है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो इसका उत्तर होगा हरे शैवाल के कारण होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 44 आता है, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो इसका उत्तर होगा कैटरपिलर। तो वही नेक्स्ट आता है, कौन सा जीवित उत्तक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो इसका उत्तर होगा फ्लोएम। तो वही नेक्स्ट आता है, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? तो इसका उत्तर होगा जाइलम के द्वारा होता है। वही क्वेश्चन नंबर 47 है, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा वार्षिक वलियों की गिनती करके लगाया जा सकता है। तो वही क्वेश्चन नंबर 48 है, सहवनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो इसका उत्तर होगा जाइलम टिश्यू से जाता है। तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा जोहानसन ने किया था। तो वही क्वेश्चन नंबर 50 है, बारबेरा मैक्लिंटॉक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा मक्का के पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 51 है, सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो इसका उत्तर होगा कर्नबर्ग को मिला था। तो वही क्वेश्चन नंबर 52 है, किसके द्वारा अनुवांशिकता की विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? तो इसका उत्तर होगा वाटसन। तो ये क्वेश्चन नंबर 53 है, सेल का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो इसका उत्तर होगा रॉबर्ट हुक। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका में विभेदित करती है? तो इसका उत्तर होगा सेंट्रियोल। तो वही क्वेश्चन नंबर 55 है, कोशिका में राइबोसोम की उपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है? तो इसका उत्तर होगा प्रोटीन संश्लेषण का कार्य संपादित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माइक्रोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो इसका उत्तर होगा भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। तो वही क्वेश्चन नंबर 57, कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा माइक्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। तो वही क्वेश्चन नंबर 58 है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिका प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो इसका आंसर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। तो ये क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा एंजिंग कहलाता है। जैसा कि दोस्तों अभी के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन आगे आने वाले ऐसे ही प्रश्न उत्तर से जुड़े रहने के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ और करिए इंतजार हमारी अगली अपडेट का। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।